ओनली हुए बसों के लेन में 100 वर्ल्ड हो गए, 100 वर्ल्ड इसका बिकॉज ए बीजेपी पार्टी अगर नहीं होती, बम्बई साहब सिचुएशन नहीं होते, हमारे लंबे साहब भव्य खुबा नहीं होते, तो ये नहीं हो सकता था। इसलिए ये जो भी आया चले, हमको चाहे ये 50 साल में अगर मराठा लोगों का अगर एक भी बोर मिला है तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी आके बोलना। लेकिन इस साल मैं स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, ओनली बीदर या सुकना तालुका में 100 वर्ल्ड साहब को जो एक्स्ट्रो चेयरमैन का जो कोटा था पूरा राज्य को था, पूरा कर्नाटक राज्य को, तो वो कोटा पूरे साहब ने हमारे बसों कल्याण के लिए, मेरे 40 साल से मेरे पीछे हैं, मेरे साथ हैं, इनके लिए कुछ तो आज हाथ में पावर आया, मुझे कुछ तक करूँ क्योंकि 100 वर्ष रहे और 7 से 9 को लोग हर एक को 50 लाख, तो 3.5 करोड़ रुपए, वो भी पूरा स्टेट का हित में एक किस्त नहीं दी, पूरा बसों कल्याण को। तो ये उनका काम है। लोग बोलते हैं अरे क्या हमारे बसों कल्याण में इतने हो गए, मैंने कोई भी काम नहीं किया, ये मैं दोहरा नहीं चलता, क्या काम किए क्या नहीं, ये आज के जो अनुभव मंडल का काम चल रहा है किसके लिए, तो अब लोग अब बैठते हैं शासक बैठते हैं उसके सामने आपके बच्चे बात करते हैं कौन किए बड़े साहब ने किए क्या, अरे तुम बोलो ना, आपको चुप बटाओ, ऐसा बात मत बोलो, बड़े साहब ने अनुभव मंडल का उन्नीसता है इसका श्रेय उनको जाता है, या उनमें भाई बोल रहा हूँ तो कम होता है, लेकिन बोलना चाहिए। और वो भी कौन हमारे लोग बोलते हैं जिनको मालूम नहीं है, फिर भी हम उनको माफ करेंगे। कई लोग हमारे नीलंगा से भूटा आने के लिए रोड नहीं थी, हाईवे से रोड नहीं थी, बटगेरा से हमारे पास नैनेश्वर बुले हैं, उन्हें पहाड़ के ऊपर गाड़ी रखे ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे, वहाँ से वो रोड किए चिपकुड़े के हत्या को सहारों के, वो हमारे रोड नहीं थे, हमारे वोट नहीं डालते थे, लेकिन साहब ने ऐसा कभी जातिवाद नहीं किया, कभी नहीं करते सभी करने का, विकास सबको होना चाहिए। वो 5 साल में जो विकास होगा ये रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड है, ये क्यों जानता हूँ, इसके लिए हमारा देख ना हुआ है। लेकिन आज चंद्र से आए माफ़ी मांगे, मेरा गलती हो गए ऐसा मैं नहीं बोल दूंगा, और भाई साहब ने बोले कि भाई हम 40 साल तुम एक तरफ और मैं एक तरफ, तो इसका मैं ये संदेश अच्छा नहीं रहता, तुम मेरे साथ ही रहना चाहिए। आज कोई नहीं दिया, एक गुंडा जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, लेकिन ये 10 एकड़ और 10 करोड़ रुपए हमारे शिवसृष्टि शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर उसका डेवलप करने के लिए, चरित्र को डेवलप करने के लिए और पैसा दिए है। आज उसका सब 100 करोड़ रुपए, उसकी कीमत 100 करोड़, आज का जो है हमारा तहसील ऑफिस उसके सामने ही 10 एकड़ जगह, ये सरकार ने दिया। अगर मेरे कोई दिया हुआ तो मैसूर का राजा ने दिवाऊंगा, मैं तो शाहू महाराज ने दिवाऊंगा, बड़ा देश बड़ौदा के शाहजी महाराज ने दिवाऊंगा, हैदराबाद के निज़ाम ने दिवाऊंगा। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद अगर मराठा समाज को पूरी जगह दिया है ये भाजपा सरकार ने दी है, इसलिए इससे मुझे मजबूर होना पड़ा, मुझे मजबूर होना पड़ा। चलो आप भाई साहब होते हुए समझाए मैं कौन दिया है, आज उनको पीएम मोदी आ रहे हैं उसके बाजू को बैठने का मुझे गौरव मिला, कौन दिया है, अस्तर अमित शाह आए उनको कौन दिया, तो ये भारत नहीं दिया। और बसवराज बोम्मई साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनका भाषण सुने क्या, जो हमारा निगम का ओपनिंग हो रहा था, उन्हें जो गौरव बात के मराठा समाज के बारे में शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज चरित्रवान राजा थे, ऐसे राजा ही नहीं हो सके, और मराठा समाज भी धैर्यवान शूर ऐसा ये जमात है, मैं बोलते हुए ऐसा नहीं बोले कि तो मेरा जन्म नहीं हुआ इस समाज में, लेकिन मेरा इसका बचपन ये मराठा समाज के गली में गया, इतने गौरव की बात शिवाजी महाराज के मतलब बारे में और मराठा समाज के बारे में उन्होंने के बार बार कहते हैं, बोले तुम डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे समाज का समाज को क्या चाहिए मैं करने को तैयार है। तो इस बात के ऊपर बड़े साहब मुझे कहने के बाद, ये 2 दिन की बात है ज़्यादा दिन नहीं, समझाए मुझे ऐसा मत करो तुम, ये गलती होती है, और क्या और सभी जो भाई आपको मराठा समाज में हम टिकट नहीं दिए, इस बात को हम मिल सी करेंगे। हमारे सरकार साहब भी डायरेक्ट संतोष से बात करने लगे, उन्हें रिकॉर्ड किए बोले कि तुम रिकॉर्ड करो, ये तुमको वायदा कर रहा हूँ मैं, तुम कैंडिडेट को जिता के लेके आओ, ये मेरे सामने बात की, ठीक है भाई। अब सभी मन मिटाव हो चुका है, कोई दिल में कुछ रखने का रिक्वेस्ट रखने के लिए, हम सब मिलके
में काम करेंगे और शरणों शरण को तो भाजपा का टिकट, अगर भाजपा का एक एमएलए जीत गया तो और एक बार बसवराज बोम्मई जिसके दिल में मराठा समाज के लिए बहुत आदर है, बहुत आदर है, तो उसको हमको मिलता है। इसके लिए सब जाते जाते यानी ये अब इलेक्शन नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि शिव सृष्टि के लिए दशकर जगह दिए उसको डेवलप करना चाहिए। हमको हर साल अगर साहब 10 करोड़ रुपये 5 साल में 50 करोड़ हमारा जैसा अनुभव मंडप हो रहा है वही धरती के ऊपर लोग अनुभव मंडप के काम देखिए ये पूरी संक्रमण ये हमारी डिमांड है। और इसके साथ साथ ही मैं 2 महीने पहले हमारे महिलाओं का मराठों महिलाओं का एक मेला वगैरह गया था, उन्हें सबकी एक पुकार है, एक उनका डिमांड है कि भाई हम देहात में रहते हैं, हम खेड़े गांव में रहते हैं, बच्चे कहीं तो पढ़ते हैं लेकिन हम लड़कियाँ हम लोगों में जो स्कूल रहता है शवन रहता है टेंथ रहता है यहाँ तक हम पढ़ा सकते हैं और बाद में हायर एजुकेशन जाना है तो हम भेज दे सकते हैं, तो हमारी लड़कियाँ नहीं पढ़ते। मैं सर्वे भी किया मराठा समाज के आज भी लड़कियाँ 1% भी एजुकेटेड नहीं है, वो 7वीं 8वीं 10वीं होंगे जो भी ग्रेजुएट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जब तुम्हारे एजुकेशन नहीं है कई साल कई बाबा साहब अंबेडकर ने बोल दिया है तुम पढ़ाओ एजुकेशन एक वागिनचं दूध आहे असं त्यांना सांगितलं आहे, तरी बी आम्ही तर त्यांचं दर्द हे बोलो माझी एकच डिमांड आहे कसा कैसा भी हमारे पास जगह है दर्शक होच का सेक्टर में हमको हायटेक सौ लड़कियों का अस्तित्व तुम क्या करते हैं मानो सौ लड़कियों का बच्चों का लेकिन कहीं नहीं और लड़कियों के लिए एक हाईटेक हॉस्टेल लड़कियों के लिए जरूरी है, हमारे महिलाओं का डिमांड है, महिला भी बहुत है इसके क्या सुनने के लिए आए हैं क्या बोलते दूसरा कुछ कुछ नहीं होता नहीं हम बोले सो डिमांड रखते क्या नहीं यही है उसके अब जो विटनेस है हमारे पार्टी साहब भी हैं केंद्र साहब भी है बड़े साहब भी है लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ बहुत जुंजर उन्हीं में है सलगर साहब भी है वैसे जीती है वैसा जीती हूँ अगर सी नहीं होता तब और एक बार जंग पिछड़ने वाला है हम छोड़ने वाले थे हम जो बोलते हैं साहब बाई इलेक्शन में साहब जो वादे कर लिए थे क्या बहुत कुछ हो गए लेकिन उनका एक ही एम एल सी का रह गया है वो उनके हाईकमांड की तरफ रह गया लेकिन हमारे एक लेवल पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर हमको शिवसेना के लिए 10 करोड़ रुपये और हाईटेक हॉस्टेल और हमारे लिड हॉस्टेल डर हॉस्टेल और हमारे जो बच्चे हैं भाई तुमको बहुत बहुत उतारा तुमने हमारे लोगों को काम नहीं दिया और मेरा ये साहब बुढ़े साहब का प्रजा है ना वो नहीं मराठा समाज का नहीं है अब जो इतना सभी कास्ट के लोग सभी जाति के लोग हैं सभी धर्म के सभी भाषा के हैं और ये 40 साल से निरंतर है साहब एक मराठा के हम भी समाज का शिवाजी महाराज का मराठा अपने ही लेगा शिवाजी महाराज का हमने बनाया है हमें ऐसा तरीका हो गया है आवाज है उसके मैं जब तुम आते हैं तो किसी को बुलाएंगे हम कर रहे प्रोग्राम कर सभी जन है सभी जाति के लोग यही उसके बढ़गा तो इस इशू साहब में मैं मराठा समाज के लेवल पर डिमांड नहीं करता मुड़े साहब के जो भी फॉलोअर्स है उनके लिए काम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तुम ऐसा एक तरफा के इस पर जो किए हम वो नहीं मानेंगे मुड़े साहब को बोलो जो वो भी नहीं हुए बगाव करूँगा तब तक सभी लोगों को हमारे लोगों का काम में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनके शेयर से उन्हें चाहे काम करने को हम मानते उनको उनका शेयर दिखाना चाहिए हम हमारे बसा